वैसे तो प्रकृति ने अनेकों अद्भुत चीजें बनाई है जो इंसानी दिमाग को अचंभे में डालते हैं। नदी, जंगल, पहाड़, प्राणी, पक्षी और न जाने ऐसे लाखों क्रिएचर है जो प्रकृति ने बनाए हैं। और इस लिस्ट में हमारे लिए बहुत ही खास है वो है पक्षी। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम पक्षी देखते हैं तो मन को न जाने एक सुकून सा मिलता है। पर इन सब पक्षियों में एक पक्षी ऐसा भी है जो सबसे अलग है, जिसकी सुरीली आवाज हमेशा बसंत में सुनाई पड़ती है, वह है कोयल। यह दोस्तों, कोयल पक्षी की आवाज जितनी हमें प्यारी लगती है उतनी ही वह दिमाग से शातिर है। और इसके जन्म की कहानी की बात करें तो इस पक्षी की धूर्तता देखकर हमें थोड़ी निराशा होती है। यह दोस्तों, यह पक्षी अपना खुद का घोंसला नहीं बनाते और ना ही अपने बच्चों को पालने का काम स्वयं करती है। वह केवल कौवे का ही नहीं बल्कि अपने से छोटे आकार की तमाम पक्षियों जैसे रीड वर्बल और अन्य पक्षियों का इस्तेमाल करती है। कोयल के इस गुण को नीड परजीविता कहते हैं। इसका मतलब है बच्चों का देखभाल स्वयं न करके दूसरों से करवाना। पहले तो कोयल अपने अंडे किसी और पक्षी के घोंसले में देती है और पहले से मौजूद उस पक्षी के अंडे को गिरा देती है या वैसे रहने देती है। वह चिड़िया कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर उसके ऊपर बैठकर देखना चालू करती है। उसके कुछ दिन बाद तक वह चिड़िया खुद के और कोयल के अंडे को सेकती है। जब अंडे से कोयल का चूजा अगर पहले बाहर आता है तब वह चूजा पहले तो उस चिड़िया के अंडे को गिराने लगता है। वह अपने साथ किसी और अंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे अगर कोयल और चिड़िया के बच्चे एक साथ अंडे से बाहर आते हैं तब भी कोयल का बच्चा चिड़िया के बच्चे को नीचे गिराता है। कोयल के बच्चे पैदाइशी ही हत्यारे और बर्बरता प्रवृत्ति के होते हैं। वह अपने पीठ तथा पिछले पैर की सहायता से बारी बारी से ऊपर की ओर ढकेल कर चिड़िया के अंडे तथा चूजों को बाहर फेंक देता है। वह चिड़िया उस कोयल के बच्चे को अपना समझकर उसे पालती रहती है। उसके लिए बारी बारी से बाहर जाकर खाना लाती है और कोयल दूर बैठकर यह नज़ारा देखती रहती है। कोयल का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसकी भूख भी बढ़ती जाती है और वह चिड़िया दिन रात एक करके उस कोयल के बच्चे का पालन पोषण करती है। देखते ही देखते बच्चे को पंख आना शुरू होते हैं और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। कितनी भी बारिश हो या तूफान हो वह चिड़िया उस बच्चे की सुरक्षा करती है, उसे भीगने नहीं देती। वह बच्चा आकार में चिड़िया से दुगुना हो जाता है फिर भी वह चिड़िया उस कोयल के बच्चे को अपना समझकर पालती है। पर कोयल आखिर कोयल ही होती है। एक दिन वह चिड़िया को छोड़कर चली जाती है और कोयल के जीवन का यह चक्र चलता ही रहता है।